गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कीबोर्ड, मोर अबाउट द कीबोर्ड, लेसन नंबर 5th, विच इज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर बुक. ओके, इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर. ओके, लेसन नंबर 4th में हम क्या पढ़े थे कि कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं एंड हम कंप्यूटर को कैसे शटिंग करते, कैसे शट डाउन करते हैं. ओके, बट टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे, कीबोर्ड. कीबोर्ड के बारे में आज हम डीपली जानेंगे. ओके, मोर अबाउट द कीबोर्ड. सबको मालूम है कीबोर्ड, लुक एट दिस पिक्चर, सबको पता है कीबोर्ड. ओके, लुक हियर, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. ओके, वी यूज इट फॉर टाइपिंग. हम कीबोर्ड का यूज क्यों करते हैं, टाइप करने के लिए. ओके, व्हेन वी प्रेस the keys on it, the matching characters appear on the screen of the monitor. जब भी हम कीबोर्ड में कोई की को प्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ही नाम लिखा आर के, अगर मैं कीबोर्ड में आर के प्रेस करती हूँ तो आपके मॉनिटर में वो शो हो जाएगा. ठीक है, वो जो भी आप यहाँ प्रेस करेंगे वो आपके मॉनिटर में दिखाएगा. अगर मैं यहाँ पे आर के लिख रही हूँ तो आपके मॉनिटर के स्क्रीन में आर के लिखा जाएगा. सबको पता है ना, फ़ोन में कैसे हम कीपैड फ़ोन में या कोई भी फ़ोन में हम अगर कुछ टाइप करते हैं, किसी को मैसेज सेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने की को प्रेस करते हैं तो वो उसके बाद आपके स्क्रीन में क्या होता है, शो होता है, दिखता है ना. तो वैसे ही सेम जैसे हम फ़ोन का प्रोसेस होता है वैसे ही कीबोर्ड में भी होता है. ओके, अब कीबोर्ड में देखिए बहुत सारे कीज़ होते हैं, नंबर की होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड. ओके, एरो कीज, डिलीट की, देयर आर मैनी कीज, इसमें बहुत सारे कीज होते हैं, उसके बारे में हम आगे में देखेंगे. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कीज ऑफ अ कीबोर्ड. अब इस कीबोर्ड के अंदर में बहुत सारे कीज हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. नंबर 1 के अल्फ़ाबेट की. अब अल्फ़ाबेट लेटर्स, ओके, सबको पता है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन कीज. ये जो कीबोर्ड है इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स है वो कितने, हाउ मैनी 26 अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर हैं. ओके, द की हैविंग लेटर्स ए टू जेड ऑन देम आर कॉल अल्फ़ाबेट्स की. वी यूज देम टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स की. वी सी देम इन 3 रोज ऑफ अ कीबोर्ड इन जंबल वर्ड्स. इसमें कीबोर्ड में बहुत सारे कीज दिए, सब जंबल वर्ड्स में दिए हुए हैं, सब सारे कीज आगे पीछे दिए हुए हैं. क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी ए एस डी एफ जी एच जे के एल जेड एक्स सी वी बी एन एम. ओके, सारे कीज इसमें आगे पीछे दिए हुए हैं, उल्टा दिए हुए, जंबल वर्ड्स में दिए हुए हैं. ओके, देन उसके ऊपर में देखिए नंबर की दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. उसके ऊपर में दिए हुए हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12. और इस साइड में देखिए डिलीट की, एरो की, एंटर की, स्पेस बार की, अल्फ़ाबेट की, ये सारे अल्फ़ाबेट्स की है, कैप्स लॉक की. ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, देन नंबर की. ये जो नंबर की दिया हुआ है ये आपका कौन सा की है, ये नंबर की. ओके, द की हैविंग नंबर्स 0 to 9, 0 से लेके 9 तक दिया हुआ है, ऑन देम आर कॉल्ड नंबर की. इसको कौन सा की बोला जाता है, नंबर की. वी यूज देम टू टाइप नंबर्स. कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है, प्लस माइनस करना है, टेबल करना है, जो भी आपको लिखना है, आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपके मॉनिटर में वो चीज़ शो हो जाएगा. ओके, दे आर एट 2 प्लेसेस ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के 2 जगह पे ये नंबर की मेंशन है, ऑन द टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट की, ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ऑन द न्यूमरिक की. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड में, एक ऊपर में दिया हुआ है, ओके, और एक यहाँ पे दिया हुआ है नंबर की, 0 to 9. ओके, यहाँ 1 से लेके 0 तक कीबोर्ड में नंबर की मेंशन है. ओके, अगर आपको कोई चीज़ लिखना है, नंबर से रिलेटेड, नंबर लिखना है, टेबल लिखना है, प्लस माइनस करना है, तो आप इस की को प्रेस करेंगे तो वो मॉनिटर में शो होगा. ओके, देन आप स्पेशल की देखिए, स्पेशल की के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर सम स्पेशल की ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे की है जो बहुत स्पेशल होते हैं. ठीक है,
ये आपका कीबोर्ड है। आप जो जो स्पेशल की है कीबोर्ड में उसके बारे में हम देखेंगे कौन सा है। नंबर वन है स्पेस बार की, ये स्पेस बार की होता है कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट की होता है। लॉन्गेस्ट मीन सबसे बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो की दिया हुआ ये क्या है, स्पेस बार की। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है देखिए, द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की, जो स्पेस बार की होता है सबसे लंबा होता है कीबोर्ड में, ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है, देन मैंगो, MNGO मैंगो, ये जो बीच में स्पेस ऐसे जो डिस्टेंस देता है वो कौन सा की देता है, स्पेस की, ठीक है। यहाँ है एप्पल मैंगो, इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम ये स्पेस बार का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ओके, हम कोई भी चीज़ को स्पेस देने के लिए इस की का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटर की, एंटर की का यूज़ क्या होता है, वी यूज़ द एंटर की टू मूव द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। दिस की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। देयर आर टू एंटर की ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में टू एंटर की होते हैं। क्यों एंटर की का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन में अगर हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया तो उस कर्सर को अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लाना है, दूसरा लाइन यूज़ करना है, तो हम एंटर की का यूज़ करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस कीबोर्ड में देखिए इसमें एंटर की दिया हुआ है, ठीक है, इस एंटर की का हम यूज़ करते हैं तो जो आपका कर्सर होता है वो एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में आता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट लाइन में जो भी हमको लिखना है हम लिखना यूज़ करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक की, अब कैप्स लॉक का यूज़ क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर, इस कीबोर्ड में देखिए कैप्स लॉक की दिया हुआ है। कैप्स लॉक की, वी यूज़ द की टू टाइप कैपिटल लेटर। हम कैप्स लॉक की जब दबाते हैं तो अगर जो भी आप लिख रहे हैं वो आपका लेटर कैपिटल में हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिखना है मैंगो, अब मैंगो का एम स्टार्टिंग वर्ड इज़ ऑलवेज कैपिटल, ठीक है, तो मैंगो का MMANGO मैंगो, ठीक है, ये स्टार्टिंग वर्ड अगर हमको कैपिटल लिखना है तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करेंगे। कैप्स लॉक बटन जब हम दबाएंगे तो आपका ये जो वर्ड होता है वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। वी प्रेस कैप्स लॉक की वंस टू टर्न इट ऑन, दिस अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट इन कैपिटल। वो क्या अलाउ करता है, जो भी चीज़ आप लेटर लिखते हैं वो आपका कैपिटल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ द टाइप सेंटेंस, सी डिफरेंस। जब आप कैप्स लॉक की ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट देता है रेड कलर का, वो क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है तो आपका लेटर कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। फिर जब आपको स्मॉल लिखना है तो आप उसी को फिर से आप प्रेस कर देंगे, उसी को आप फिर से दबाएंगे तो वो लेटर आपका स्मॉल हो जाएगा। अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो आप उस कैप्स लॉक की को बंद कर देंगे, फिर से उसको दबाएंगे तो क्या होगा, आपके लेटर स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो उसको आप फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ लाइट ऑन हो जाएगा, इट मींस आपका जो सेंटेंस है जो भी आप लिखेंगे वो आपका कैपिटल में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब डिलीट की, ये भी आपका स्पेशल की है। डिलीट की का यूज़ क्यों करते हैं, जब भी कोई चीज़ मिस्टेक हो जाता है, आप कॉपीज़ में कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, तो आपका मिस्टेक होता है तो आप किसका यूज़ करते हैं, इरेजर का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं ना। बट हम क्या कंप्यूटर में रबड़ यूज़ कर सकते हैं, रबड़ से मिटा सकते हैं, नहीं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, डिलीट की का। उस जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में डिलीट की बना हुआ है, अगर कोई चीज़ कोई सिंबल कोई नंबर कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, ड्राइंग पेंटिंग जो भी कर रहे हैं, अगर वो मिस्टेक हो जाता है तो किसका यूज़ करते हैं, डिलीट की का यूज़ करते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है डिलीट की, देखिए कीबोर्ड में, देखिए कीबोर्ड में आपका डिलीट की दिया हुआ, देखिए यहाँ पे येलो कलर का ये डिलीट की है, हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी चीज़ मिटाने के लिए अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो जा रहा है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके बाद में देखिए बैक स्पेस की, अब बैक स्पेस की का यूज़ क्या होता है, वी यूज़ दिस की टू डिलीट कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर का जो लेफ्ट साइड, मान लो ये वर्ड्स WORDS, ठीक है, तो यहाँ DD हो गया, अगर हमको इसको इरेज करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, फिर
फिर हम इस स्पेस को, ये जो मिस्टेक जो हम लिख चुके हैं उसको डिलीट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। अगर हमारा बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो हम किसका यूज़ करेंगे, बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, ओके। देन पेज अप एंड डाउन, अब पेज अप एंड डाउन जैसे कॉपी में क्या होता है, हमारा पेज भर जाता है तो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, बट हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, एरो दिया हुआ है, ये पेज अप एंड डाउन का की बना हुआ रहता है। इसको हम, अगर आपको ऊपर जाना है तो पेज अप का प्रेस करेंगे, ओके, अगर नीचे तो डाउन प्रेस करेंगे, ओके। वी यूज दिस टू कीज टू मूव अ पेज अप एंड डाउन, हम ये दो की का यूज़ करते हैं पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए, ओके। देन शिफ्ट की, अगर हमको किसी चीज़ को शिफ्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने शिफ्ट की होते हैं, टू, ओके। वी यूज़ अ शिफ्ट की विथ अदर की फॉर डिफरेंट पर्पस, ओके। हम अलग अलग पर्पस के लिए हम की का यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू टाइप एट द रेट वी प्रेस शिफ्ट की विथ नंबर की टू, ठीक है। हमको अलग अलग चीज़ के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप शिफ्ट की में देखिए क्या दिया हुआ, जेड एक्स सी वी बी एन एम, ओके। देन लास्ट में क्या दिया हुआ, शिफ्ट की लास्ट रो ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के जो लास्ट रो में दिया है शिफ्ट की, देखो जो कीबोर्ड दिया हुआ है ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके नीचे में क्या दिया हुआ, शिफ्ट की, कोई चीज़ हमको यहाँ से वहाँ दूसरे जगह में शिफ्ट करना है तो हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइप लिखा हो, अगर हम इस टाइप को हमको शिफ्ट करना है फर्स्ट में, फ्रंट में या ऊपर में, तो हम शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे, ओके, शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कर्सर की। अब कर्सर की क्या होता है, कर्सर की आर मार्क विद एरो, देयर आर फोर एरो की ऑन कीबोर्ड, दिस की अलाउ अस टू मूव अ कर्सर, इसमें फोर एरो दिया हुआ है, कितने एरो दिए हुए, फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। टू मूव अ कर्सर लेफ्ट बाय वन लेटर, टू मूव अ कर्सर राइट बाय वन लेटर, लेफ्ट साइड मूव करने के लिए यूज करते हैं और ये राइट साइड, ओके, और ये अप और ये डाउन, कोई भी चीज़ को हमको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करना है तो हम इस एरो का यूज करते हैं। देन फंक्शन की, देयर आर 12 फंक्शन की, हाउ मेनी फंक्शन की, 12, F1 टू F12, ईच फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट जॉब, जितने फंक्शन की अलग अलग जॉब करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में देखिए फंक्शन की दिया हुआ है, F1, ESC के बगल में देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F1 से लेके F12 तक ये की दिया हुआ है। ये सारे जो F की, ये सारे जो कीज दिए हुए हैं F1 से लेके F12 तक, ये सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, ओके। आज का लेसन कंप्लीट हो गया, कीबोर्ड, ओके। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, देन क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, आप तभी लिखेंगे, ओके। सबसे पहले आप सिर्फ मेरा वीडियो सुनेंगे, उसके बाद मैं जब भी आपको सेंड करूँगी तभी आप लिखेंगे, उसके पहले आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन आंसर जो है एंड जो ट्रू फॉल्स है, फिलिप्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका वीडियो मैं, इसका फोटो मैं कल सेंड करूँगी, ओके। आज सिर्फ आपको वीडियो सुनना है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं कल सेंड कर दूँगी आपको।